अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। धौलपुर शहर की लेडीज सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल पर गोली से हमला करने वाले दो बदमाशों को मंगलवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भिक ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को 20,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। एपीपी कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि पूर्व में राजाखेड़ा पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल पुलिस टीम के साथ 4 दिसंबर 2017 को थाना इलाके में जुआ के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी। सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल पुलिस इमदाद को साथ लेकर रास्ते में जा रही थी। रास्ते में बुलेट बाइक पर बंदूक समेत 3 बदमाश दिखाई दिए। पुलिस टीम ने तीनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल की गर्दन में भी गोली के छर्रे लगे थे। सब इंस्पेक्टर समेत उनकी टीम ने साहस का परिचय देते हुए बदमाश प्रवीण कुमार एवं लोकेंद्र को घेराबंदी का दबोच लिया। एक अन्य बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर जंगलों में कूदकर फरार हो गया। दो दो बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। लंबे समय तक चली बहस एवं दलीलों के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने मुलजिम प्रवीण कुमार एवं लोकेंद्र कुमार को जान से मारने के नियत से हमला करने का दोषी माना है। न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भिक ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बदमाश रविंद्र कुमार एवं लोकेंद्र उत्तर प्रदेश के हार्डकोर अपराधी हैं। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में विभिन्न पुलिस थानों में संगीन धाराओं में अभियोग दर्ज है। राजाखेड़ा थाने पर दिनांक 3/12/2017 को टीनू सोगरवाल को सूचना मिली कि कोई 3 संदिग्ध व्यक्ति जो है अवैध हथियार लेकर के एक मोटरसाइकिल पर बैठकर काठपुरा गांव के पास में घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ में टीनू सोगरवाल काठपुरा गांव के पास में पहुंची तो उक्त लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और टीनू सोगरवाल SI और हेड कांस्टेबल मोहन सिंह जो है घायल हो गए तथा उक्त लोगों को पुलिस पार्टी ने घेराबंदी करके दो लोगों को मौके पर पकड़ लिया था। जिन्होंने अपने नाम पता उनसे पूछा तो उन्होंने एक ने अपना नाम जो है प्रवीण सिंह और दूसरे ने अपना नाम लोकेंद्र बताया था। तीसरे भागने वाले व्यक्ति का नाम योगेंद्र उर्फ मरिया बताया था। उक्त तीनों मुलजिमों के खिलाफ जो है अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर में जो है कार्रवाई विचाराधीन थी, जिसमें आज अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर ने मुलजिम प्रवेंद्र और लोकेंद्र को धारा 307 में 10 वर्ष के कारावास की सजा और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।